आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइव व्लॉग्स विद मेघा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ पनीर मोमोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है, ये मोमोज़ जो है बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। और मैं इसके साथ आपके साथ मोमोज़ की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मोमोज़ जो है हम स्टीमर में वो उसमें बनाएंगे, इडली मेकर में। ठीक है, इडली मेकर में हम मोमोज़ बनाएंगे। तो चलो अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमोज के लिए मैं मोमोज का आटा लगा लूँगी। मैंने ये 1.5 कप मैदा ले लिया है। ठीक है, मतलब ये एक पूरा कप है और ये इसके इसका आधा कप है। ठीक है, कोई भी कप सेट कर लेना अपने घर का और 1.5 कप मैदा डाल देना। ठीक है, बाकी आप क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हो अगर आपने कम ज़्यादा बनाने हैं मोमोज तो। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, स्वाद के लिए हल्का सा नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, 2-3 चुटकी नमक डाल देंगे। ठीक है, अब हम पानी लगाकर, पानी इसमें डालकर आटा लगा लेंगे। अब ये आधा कप मैंने पानी लिया है, जिसमें मैंने मैदा लिया था ना आधे कप में, उसी में मैंने पानी ले लिया है। अब मैं ये पानी डाल डालकर धीरे धीरे आटा लगा लूँगी। हम मोमोज़ का आटा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं ना हम, तो नॉर्मल रोटी के आटे से हम थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना, जैसे कि रुमाली रोटी का हम बहुत सॉफ्ट लगाते हैं, उतना सॉफ्ट नहीं लगाना। लेकिन रोटी से जो हम रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट। ठीक है, तो ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, तो मैंने ये 1/2 कप पानी लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आटे को गूंद लिया है। ठीक है, 1.5 कप आटा था तो 1/2 कप मेरा पानी लगा है। ठीक है, तो इसको अगर आप जब इसको गूंधेंगे तो जैसे आपके हाथ में ये बाद में आएगा नहीं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट होएगा, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए और गूंदना। ठीक है, नहीं तो एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच ऑयल ऊपर डाल लेना, उससे सारा साथ में आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। पहले अच्छे से इसको गूंद लेना थोड़ी देर के लिए, फिर एक चम्मच ऑयल डालकर सारा साथ में आ जाएगा। ठीक है, इकट्ठा कर लेना। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। ठीक है, देखिए कितना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है लेकिन सॉफ्ट है। तो ऐसा ही आटा हम लगाएंगे मोमोज के लिए। ठीक है, अब 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। आटा सेट हो रहा है, तब तक मैं अपना जो मोमोज की फिलिंग है वो तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, मोमोज की फिलिंग के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया है, 2 चम्मच ऑयल ले लेना है। ठीक है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। ठीक है, गैस की फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑन, ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑयल हो गया है मेरा गर्म। अब मैं इसमें डालूँगी, ये है मैंने मतलब 4-5 कलियाँ लहसुन की बारीक बारीक काट ली है। ठीक है, मुंह में ज़्यादा आनी चाहिए, मतलब बहुत ही बारीक काट ली है। ठीक है, ये डाल दूँगी। ठीक है, ये एक मैंने मिर्ची काट ली है, ये भी बहुत बारीक काटी है, ये भी डाल दूँगी। ठीक है, और ये मतलब एक छोटा सा प्याज था वो काटा था, तो ये भी डाल दूँगी, ये भी बहुत बारीक काटा है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही बारीक बारीक काटेंगे हम। ठीक है, हल्का सा हम इनको मिक्स करके पका लेंगे, ज़्यादा हम कच्चा कच्चा ही रखना है, हल्का सा पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए बस। ठीक है, कच्चा ही रखते हैं हम सब्जियों को, तो कच्चा ही रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसमें मिर्ची, काली मिर्ची का पाउडर डालूँगी। ठीक है, काली मिर्ची का पाउडर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई चाइनीज़ चीज़ खाते हो तो उसमें आपको काली मिर्ची का टेस्ट आता होगा, तो काली मिर्ची का हम पाउडर डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच का 1/8 हिस्सा काली मिर्ची ली है, बहुत थोड़ी सी डाल दी, नहीं तो गले में लगती है ये। ठीक है, बहुत थोड़ी सी ली है मैंने, तो इतनी सी ही डालना आप, 1 चम्मच के 1/8 हिस्से जितनी लेना। ठीक है, अब मैं इसमें नमक डालूंगी, ज़्यादा काली मिर्च मत डालना, नहीं तो वो ना फिर गले को गले में जाकर चुभती है। तो ये मैंने मतलब आधा, और ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच के करीब। ठीक है, आधा चम्मच मतलब छोटा चम्मच था, तो मैंने 1 चम्मच के करीब नमक ले लिया है। ठीक है, इनको भी मैं मिला लूँगी, नमक आप स्वाद अनुसार चेक कर लेना। अब मैं मतलब 2 मिनट के लिए इनको पकाना है, फिर पनीर डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, पनीर मैंने घर पे बनाया था और इसको मैंने ऐसे हाथ से कर लिया है। ठीक है, हाथ से इसको ऐसे हम मल सा लेंगे, सॉफ्ट सा कर लेंगे, अब हम इनको मिला लेंगे। ठीक है, फ्लेम लो ही है मेरी, गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, बस जब पहले तेल गरम करना है तो ही फ्लेम हम हाई रखेंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। देखिए फ्रेंड्स, इनको मैंने 4 के मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। ठीक है, बस इतना ही हम इसको पकाते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि बाद में हम इनको स्टीम भी करेंगे।
तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ढककर रख दूंगी, ठीक है। फिर हम जब फिलिंग डालेंगे तो थोड़ा इसको ठंडा करके ही फिलिंग डालेंगे मोमोज में, ठीक है। आटा भी तैयार है, ठीक है, 15 मिनट इसको भी हो गए, फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब हम मोमोज अपने बनाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा इसमें से बॉल निकाल लेंगे, ठीक है, आप नहीं तो बड़ी बॉल भी मतलब बड़ा बॉल निकाल लें और कुकी कटर से कट कर लें, उससे सेम साइज आएंगे, नहीं तो स्मॉल स्मॉल बॉल्स निकाल लें, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब हम इस पर मैदा लगा लेंगे, ठीक है, मैदा लगा कर बेलेंगे इसको, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपको इक्वल साइज़ की चाहिए तो छोटी छोटी इक्वल साइज़ की बॉल्स निकाल लें, नहीं तो आप कोई बड़ी बड़ा बेल लें उसको और उसके साथ कुकी कटर के साथ उसको कट कर लें। बेल लूँगी, थोड़ा थोड़ा मैदा लगाकर हम इसको बेलते जाएंगे, देखिए जैसे रोटी जैसे रखते हैं उस साइज़ का रखेंगे हम, उतना ही मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, ठीक ठीक रखेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसमें अपनी फिलिंग डाल देंगे, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स उतनी ही फिलिंग डालना जितनी आ पाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर ना डालना, ठीक है। आप चाहें तो इस यहाँ पे इस जगह पे वेजिस भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको पनीर की नहीं डालनी तो आप वेजिस डाल दें, ठीक है, वेजिस की फिलिंग तैयार कर ले और फिर वो डाल दें। अब फ्रेंड्स इसके कॉर्नर्स पे हम साइडों में पानी लगाएंगे, हल्का हल्का पानी लगाएंगे, ठीक है। पानी लगाने से क्या होगा कि ये खुलेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, फिंगर से हल्का हल्का पानी लगा लेना, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम इसको बनाएंगे, देखिए कैसे देना है, आकार देखते रहे, देखिए इसको अंदर की तरफ ऐसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, देखिए अंदर को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है, देखिए ऐसे सारी करता जाएंगे हम, देखिए ऐसे करते जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स ऐसे करते करते हम एंड तक पूरा कर देंगे, ठीक है, देखिए बस ऐसे ही, और फिर हम इसको लास्ट पे ऐसे करके हल्का सा गोल कर देंगे, ठीक है, देखिए कितना अच्छा हमारा बन गया है, ठीक है। मैं आपको और भी शेप बनाना सिखाती हूँ, जो शेप ट्राई करेंगे इसको ऐसे अंदर को फोल्ड कर फिर हम इनको चिपकाएंगे, फिर अंदर को कर कर फिर साइड से चिपकाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, देखिए अंदर को फिर साइड से, ठीक है, फिर अंदर को और साइड से ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे, देखिए ऐसे साइड से साथ में चिपकाते जाना है, और ये देखिए, ठीक है, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आपके साथ एक और शेप शेयर करना चाहूँगी, देखिए ऐसे पानी लगाना जरूरी है, ठीक है, हल्का हल्का पानी जरूर लगा लेना, देखिए ऐसे चिपकाना है, ठीक है, अंदर को ऐसे चिपकाना है और इसको भी साथ में लेते जाना है, देखिए ये जो है ना इसको प्लेन रखेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे और इस पर चिपकाते जाएंगे, इसको प्लेन रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे अंदर को और ऐसे चिपकाते जाएंगे, देखिए फोल्ड किया और प्लेन वाले पे चिपका दिया, ठीक है, पानी लगा रखा है इसलिए वो आराम से चिपक जाएगा, देखिए फिर से यहाँ से लिया मैंने, देखिए और यहाँ से फोल्ड किया इसको अंदर को ऐसे और ऐसे अंदर को इस पर प्लेन वाले पे चिपका दिया, ठीक है। ऐसे हम ये वाली शेप भी आप चाहें तो दे सकते हो, देखिए फोल्ड और प्लेन वाले पे चिपका दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये पोटली सी बन गई ना इस साइड से, और ये देखिए इधर से प्लेन है इधर से पोटली सी है, अब हम क्या करेंगे इसको अंदर को ऐसे करते हुए हल्का सा और इसको घुमा सकते हो, हल्का सा यहाँ पे पानी हल्का सा टच कर लेना और यहाँ से इसको भी बंद कर लेना, और देखिए कितनी अच्छी शेप आई है ये, और यहाँ से आप इसको ऐसे ऐसे उठा लेना, देखिए ठीक है। आप चाहें तो ये वाली शेप भी बना सकते हो, कोई भी आप पतीला ले ले या कोई कढ़ाई ले ले, ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज़ ले जो थोड़ी साइज़ में ऊंचाई में बड़ी हो, क्योंकि उसमें अपना इडली मेकर आ जाए, ठीक है, इडली का जो स्टैंड होता है वो आ जाए, जिस पे आप इडली बनाते होगे है ना वो वाला बर्तन ले लेना, ठीक है, और उसको आप गर्म कर लेना, उसमें एक गिलास पानी डाल लेना, ठीक है, एक गिलास ही पानी डालना, ज़्यादा पानी ना डालना, क्योंकि जब हम इसमें अपने मोमोज स्टीम करेंगे तो वो पानी उबलेगा तो कहीं मोमोज गीले ना हो जाए, तो आप एक गिलास ही पानी डालना, ठीक है, और इसको ढक करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए गर्म होने देना, ठीक है, अंदर गर्माहट आ जाए तो इसको 5 मिनट के लिए ढक करके उबलने देना, ठीक है, गर्म होने देना। इडली स्टैंड ले लिया है, ठीक है,
अब मैंने मोमोज भी सारे बना कर रख लिए हैं, ठीक है। देखिए हर शेप के बनाए हैं मैंने। अब हम अपने इडली स्टैंड में मोमोज रख देंगे, ठीक है। देखिए ऐसे गोलों में जितने भी होते हैं, साइडों में भी रख सकते हो चाहो तो। अगर आपके ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे भी रख लो, मैं यहाँ पे भी रख लेती हूँ। कई बार मैं छोटे छोटे बनाती हूँ तो मैं ऐसे रख लेती हूँ, देखिए, ठीक है। फ्रेंड्स अब मैं पानी मेरा खोल रहा है, ठीक है, आराम से निकालना है, इसको ढक्कन को हटाना क्योंकि इस वक्त पे ये बहुत गर्म होगा। अंदर स्टैंड रख लेना, देखिए मैंने स्टैंड रख लिया है। आपके पास अगर कोई स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी ले लें और उसको उल्टा करके रख लें, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि इडली मेकर तो नीचे से थोड़ा ऊँचा ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब हम इसको इसमें रख देंगे अच्छे से सेट करके और ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको हाई फ्लेम पर 12 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे स्टीम होने के लिए, ठीक है, हाई फ्लेम पे 12 मिनट के लिए, ठीक है। 12 मिनट बाद हम अपने मोमोज को चेक करेंगे। मोमोज स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं आपको चटनी की रेसिपी दे देती हूँ। ये मैंने 7 से 8 मिर्ची ले ली है, ठीक है, साबुत लाल मिर्ची ले ली है, ठीक है, ये डाल दूँगी मैं। ये मैंने 5-7 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं और ये मैंने 2 टमाटर बारीक मोटे मोटे काट कर रख लिए हैं, ठीक है। अगर ये इससे चटनी थोड़ी बनेगी क्योंकि मैंने मोमोज भी कम ही बनाए हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें, ठीक है। मिर्ची अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जो मोमोज की चटनी होती है उसमें मिर्ची ज़्यादा होती है तो मैंने ज़्यादा ही डाली है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने ये आधा कप पानी लिया है, ठीक है, आधा कटोरी पानी ले लेना और इसमें डाल देना, ठीक है। अब हम इसको उबलने के लिए रख देंगे, ठीक है, हम इसको मतलब 7-8 मिनट के लिए उबालेंगे, मतलब तब तक उबालेंगे जब तक कि ये हमारा टमाटर का जो ये छिलका है ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता और हमारी मिर्ची भी सॉफ्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तब तक हम इसको उबालेंगे तो तकरीबन मुझे लगता है 8 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, हम इसको हाई फ्लेम पे ही उबालेंगे, ठीक है। अब हम अपनी चटनी को उबलने के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से उबाल लिया है, बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है, 1-2 चम्मच बस, और ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको हल्का सा ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है, ग्राइंडिंग जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने ये 1-2 चम्मच ऑयल गरम कर लिया था कढ़ाई में और ये चटनी मैंने ग्राइंड कर ली थी, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। फ्रेंड्स हम इसमें 1 चम्मच के करीब, मतलब आधा चम्मच और 1 कप चम्मच के करीब नमक डालेंगे, ये इतना सा नमक डालेंगे, देखिए, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ख़राब नहीं होगी जल्दी, आप ज़्यादा दिन तक इसको स्टोर कर कर रख सकोगे, ठीक है। हल्का सा ऑयल्स में ऐसे इसको पकाने से इसकी लाइफ थोड़ी सी हो जाती है, सही हो जाती है, और मतलब ज़्यादा देर तक आप इसको स्टोर करके रख पाते हो, जल्दी ख़राब नहीं हो पाती है, तो आप इसको हल्का सा ऑयल में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नमक मैंने थोड़ा सा डाला है, इतना मुझे काफ़ी लग रहा है, अगर आप चेक कर लेना स्टेज पर, अगर आपको कम लगे तो आप नमक डाल सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर हम कुक कर लेंगे, 2-4 मिनट के लिए। थोड़ी सी हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, ठीक है, मतलब 2-3 पिंच के करीब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, ठीक है, उसको भी पका लेंगे। आप इसको किसी भी एयरटाइट डब्बे में डालकर स्टोर करके रख लें और आप इसको यूज़ कर सकते हो। 12 मिनट हो गए हैं, ये देखिए मेरे मोमोस अच्छे से स्टीम हो गए हैं, आप देख सकते हो, मतलब जब मोमोस पता चलता है ना स्टीम हो गए तो उनका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। देखिए पहले जब हमने इनको बेला था, बनाया था, शेप दी थी, तो ये इनका कलर अलग था, ठीक है ना, वाइटिश वाइटिश था, लेकिन अब आपको ये थोड़े येलो येलो लग रहे होंगे और थोड़े से ट्रांसपेरेंट लग रहे होंगे, इसका मतलब कि हमारे मोमोस जो है पक गए हैं, ठीक है। तकरीबन 12 मिनट लगते हैं हाई फ्लेम पर, अब हम इनको ठंडा करके निकाल लेंगे। मोमोस भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई करके भी खा सकते हो और दूसरा फ्राई भी, डीप फ्राई भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो ऐसे भी खा ले क्योंकि स्टीम तो हो ही रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करा करो, ठीक है, और लाइक भी करा करो, उससे इंसान बहुत मोटिवेट होता है, ठीक है, तो वो और भी वीडियोज़ डालता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब और लाइक कुछ तो करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करा करें, ठीक है फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एंड बाय।